اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد

مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم والضالين بتش لي خطبة جو हज़रत अब्दरमान बिन औफ़ का वर्णन हो रहा था और उसका कुछ भाग रह गया था जो आज भी मैं वर्णन करूँगा हज़रत अब्दुलरमान बिन औफ के उमैया बिन खल्फ के साथ पुराने दोस्ताना संबंध थे इसके संबंध में एक तफसीली घटना सही बुखारी में इस प्रकार वर्णन हुई है जिसमें हज़रत अब्दुलरहमान बिन औफ वर्णन करते हैं कि मैंने उमैया बिन खल्फ़ को पत्र लिखा कि वो मक्का में मेरे माल और जायदाद की रक्षा करें और मैं उसके माल और वस्तुओं की मदीना में रक्षा करूँगा जब मैंने अपना नाम अब्दुलरहमान लिखा तो उमैया ने कहा कि मैं अब्दुलरहमान को नहीं जानता तो मुझे अपना वो नाम बताओ वो नाम लिखवाओ जो जाहलीत में था कहते हैं कि इस पर मैंने अपना नाम अब्द अम्र लिखा जब वो बदर की जंग में था तो मैं एक पहाड़ी की तरफ जब लोग सो चुके थे निकल गया ताकि मैं उसकी रक्षा करूं। तो बिलाल ने उसे कहीं देख लिया इसलिए वो गए हज़रत बिलाल गए और अंसार की एक मदरिस में खड़े हो गए और कहने लगे ये उमैया बिन खल्फ़ है जबकि ये बच निकला तो मेरी ख़ैर नहीं इस पर हज़रत बिलाल के कुछ लोग हमारे हमारा पीछा करने निकले अर्थात हज़रत अब्दुलरहमान बिन औफ और मैया बिन खल्फ़ के क्योंकि ये उसको बचाने के लिए निकले थे पनाह में लेने के लिए निकले थे वो कहते हैं कि मैं डरा कि वो हमें पा लेंगे पकड़ लेंगे हमें इसलिए मैंने उसके बेटे को इसकी खातिर पीछे छोड़ दिया कि वो इसके साथ लड़ाई में व्यस्त हो जाए अर्थात बेटे के साथ वो लोग जो पीछे आ रहे थे मुसलमान लड़ाई में व्यस्त हो जाएं और हम ज़रा आगे निकल जाएं सुरक्षित स्थान पर ले जाऊँ मैं उनको इसलिए उन्होंने उसको मार डाला उसके बेटे को उन लोगों ने मार डाला फिर कहते हैं कि उन्होंने मेरा दाव कारगर ना होने दिया और हमारा पीछा किया उमैया चूंकि भारी बरकम आदमी थे इसलिए जल्दी इधर उधर ना हो सके अंततः जब उन्होंने हमें पा लिया तो मैंने उसे कहा बैठ जाओ तो वो बैठ गया मैंने अपने आप को उस पर डाल दिया कि उसको बचाऊं तो उन्होंने मेरे नीचे से उसके बदन में तलवारें घोंपी यहाँ तक कि उसे मार डाला उनमें से एक की तलवार से मेरे पाँव पर भी ज़ख़म आ गया तारीख़ तिबरी में भी विस्तार से इस प्रकार वर्णन है कि हज़रत हज़रतब्दरहन बिन औफ वर्णन करते हैं कि मक्का में उमैया बिन खल्फ़ मेरा मित्र था उस वक़्त मेरा नाम अब्द अम्र था मक्का ही में जब मैं इस्लाम लाया तो मेरा नाम अब्दुलरमान रखा गया इसके बाद वहीं जब कभी वो मुझसे मिलता तो कहता अब दे अम्र क्या तुम अपने बाप के रखे हुए नाम से पीछे हटते हो मैं कहता हाँ इस पर कहता परंतु मैं रहमान को नहीं जानता उचित यह है कि कोई और नाम चुनो उससे मैं तुम्हें संबोधित करूँगा क्योंकि अपने पिछले नाम पर तुम मुझे उत्तर नहीं देते और जिस बात से मैं अनभिघ हूँ उसके नाम के साथ मैं तुम्हें नहीं पुकारूँगा हज़रत रहमान बिन औफ कहते हैं कि जब वो मुझे ए अब्द अम्र कहकर पुकारता तो मैं उसे उत्तर नहीं देता था मैंने कहा अबू अली उसके संबंध में तुम जो चाहो निर्धारित कर दो ये जो है पुराना नाम है ये तो मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा। उसने कहा अच्छा तुम्हारा नाम अब्दुल्ला उचित होगा मैंने कहा अच्छा इसलिए उसके बाद जब मैं और वो मिलते तो वो मुझे अब्दुल्ला के नाम से पुकारता मैं उसे उत्तर देता और उससे बातें करता यहाँ तक के बदर का दिन आ गया मैं उमैया के पास गुज़रा वो अपने बेटे अली बिन उमैया का हाथ थामे खड़ा था मेरे पास कई कवच थी जिन्हें मैंने प्राप्त किया था मैं उनको लिए जा रहा था उसने मुझे देखकर आवाज़ दी कि अब्द उम्र मैंने कोई उत्तर नहीं दिया तब उसने कहा ए अब्दुल्ला मैंने कहा हाँ क्या कहते हो उसने कहा क्या मैं तुम्हारे लिए उन कवचों से जिनको तुम लिए जा रहे हो ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ मैंने कहा यदि ऐसा ही है तो आ जाओ मैंने कवचे वहाँ फेंक दी अर्थात उसे पनाह देने के लिए और उसके और उसके बेटे अली के हा अली का हाथ पकड़ लिया तो वो कहने लगा आज के जैसा दिन मेरे देखने में नहीं आया जैसा कि आज दिन गुज़रा है मैंने कभी नहीं देखा बहरहाल वो कहते हैं कि मैं उन दोनों को साथ लेकर चल दिया मैं बाप बेटे के बीच में उनका हाथ पकड़े हुए चला जा रहा था उमैया ने मुझसे पूछा ए अब्दुल्ला, तुम में वो कौन है जिसके सीने में शुतुर का बतौर निशान के रूप में लगाया था मैंने कहा वो हमज़ा बिन अब्दुलमतलब था उसने कहा हमारी ये अवस्था उसी की बदौलत है ये बुरा हाल जो हमारा हुआ है उसी की बदौलत है बहरहाल कहते हैं मैं उनको लिए चला जा रहा था कि बिलाल ने उसे मेरे साथ देख लिया ये उमैया मक्का में हज़रत बिलाल को कष्ट देता था ताकि वो इस्लाम छोड़ दे वो उनको मक्का की साफ चट्टान पर जब वो धूप से खूब तप जाती ले जाता और उन पर उनको पीट के बल लिटा देता फिर एक बड़े पत्थर के संबंध में आदेश देता जिस पर वो पत्थर उनके सीने पर रख दिया जाता और फिर कहता कि जब तक तू मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ेगा तुझे दंड मिलता रहेगा परंतु अतिरिक्त आज़ाब के बिलाल यही कहते अहद अहद अर्थात वो एक है वो एक है इसलिए अब जब उसकी नज़र उस पर पड़ी अर्थात हजरत बिलाल की उमैया पर जब नज़र पड़ी तो कहने लगे कि उमैया बिन खलफ़ कुफ़र का सरदार है मैं निजात ना पाऊँ अगरचे ये बच जाए हज़रत अब्दुलरहमान बिन ओफ़ ने कहा ए बिलाल ये दोनों मेरे कैदी हैं बिलाल ने फिर कहा मैं निजात ना पाऊँ यदि ये बच जाए हज़रत ने हजरत बिलाल से कहा इब्ने सौदा तुम सुनते हो बिलाल ने फिर कहा मैं निजात ना पाऊँ यदि ये बच जाए फिर हज़रत बिलाल ने नहायत ज़ोर से चिल्ला कर कहा अल्लाह के अनुसार ये कुफार का सरदार उमैया बिन खल्फ़ है मैं हलाक हो जाऊँ यदि ये, ये बच जाए उनकी इस आवाज़ पर लोगों ने हमें हर तरफ़ से घेर लिया और क़ैद सा कर लिया मैं उसे बचाने लगा एक व्यक्ति ने उसके बेटे पर तलवार मारी वो गिर पड़ा उस वक़्त उमैया ने उस जोर से चीख मारी कि मैंने उस जैसी चीख कभी नहीं सुनी मैंने भा, मैंने भाग जाऊं, परंतु भाग नहीं सका अल्लाह की कसम मैं तेरे किसी काम नहीं आ सकता इतने में हमलावरों ने उन दोनों पर अपनी तलवारों से हमला किया यहाँ तक के उन दोनों का काम समाप्त कर दिया हज़रत अब्दुलरहमान बिन औफ कहा करते थे कि अल्लाह ताला बिलाल पर रहम करे मेरी कवच भी गई और कैदी को उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे छीन लिया हज़रत अब्दाल बिन ओफ़ जंगद में भी शामिल हुए गजवाए अहद के दिन जब लोगों के पाँव उखड़ गए तो हजरत हज़रतब्बरहमान बिन ओफ रसोल्ला सल्लाम के साथ डटे रहे गए के दिन हजरत हज़रतब्बरहन बिन औफ़ को इक्कीस ज़ख़म आए और पाँव में ऐसा ज़ख़म आया कि आप लंगड़ा कर चलते थे और सामने के दो दांत भी शहीद हुए हज़रत इब्ने उमर बयान करते हैं कि शाहबान छः हजरे में रसोल्ला सल्लाम ने हज़रत अब्दुलरहमान बिन औफ़ की नेतृत्व में सात आदमियों को जंदल की तरफ भेजा अपने दस्ते मुबारक से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले रंग का मामा उनके सर पर बांधा जिसका अंतिम भाग कंधों के मध्य रखा फिर आपने फरमाया कि अबू मोहम्मद मुझे दूमतुल जंगल की तरफ चिंता में सूचना मिली वहां मदीना पर हमला करने के लिए लश्कर जमा हो रहा है तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए इधर चले जाओ सात सौ योद्धा तुम्हारे साथ जाएंगे दूमतुलजंदल पहुँच कर वहाँ के सरदार और उसके कबीला कल्ब को पहले इस्लाम की दावत देना लेकिन यदि लड़ाई की नौबत आए तो देखना किसी को धोखा ना देना खयानत और वादा ना तोड़ना बच्चों और महिलाओं का वध ना करना और ख़ुदा के बाग़ियों से दुनिया को पाक कर देना इन सावधानियों के साथ फिर जंग की आज्ञा है इसलिए हजरत हज़रतब्दरहन बिन औफ ने दूमा पहुँच कर उनको तीन दिन तक इस्लाम का निमंत्रण दिया तीन दिन तक इनकार करते रहे फिर अजबक बिन उम्र व भी जो ईसाई था उसका सरदार था उनका सरदार था उसने इस्लाम स्वीकार किया हजरत हज़रतरहन बिन आफ़ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी घटना लिखी आपने फरमाया कि उस सरदार की बेटी तमाजर से शादी कर लो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उससे शादी की और उसके साथ मदीना वापस आए तमाजर बाद में अबू सलमा कहलाई उमर बिन अब्दुल अजीज वर्णन करते हैं चौदह हिजरी में जंग जसर के अवसर पर हजरत उमर को जब हजरत उबैद बिन मसऊद की शहादत की सूचना मिली ये जंग जसर जो है पहले भी वर्णन हो चुका है ये फारसियों के एक हाथी ने कुचल दिया था बहरहाल जब इतला मिली और मालूम हुआ कि फारस वालों ने किसरा वालों में से एक व्यक्ति को तलाश करके अपना बादशाह बनाया है तो आपने हिजरत करने वाले और अनसार को दावत जिहाद दी और मदीना चलकर सिरार के स्थान पर ठहरे मदीना के एक पहाड़ का नाम है सिरार ये मदीना से तीन मील की दूरी पर इराक़ के रास्ते पर स्थित एक जगह है बहरहाल वहाँ आपने क़्याम किया ठहरे और हज़रतल बिन उबैदुल्ला को आगे रवाना किया ताकि वो अहफज पहुँच जाएं। आपने मैमना, अर्थात फ़ौज का जो दायां बाज़ू था उस पर हज़रत अब्दुलरमान बिन ओफ़ को और मैसरा जो फ़ौज का बायां बाज़ू था उस पर ज़ुबैर बिन आवाम को निर्धारित किया और हजरत अली को मदीना में अपना प्रतिनिधि निर्धारित कर गए थे हज़रत उमर ने लोगों से मशवरा किया सब ने आप को फारस जाने का मशवरा दिया ये जब काफिला चला था तो इसरार आने तक हज़रत उमर ने किसी से मशवरा नहीं किया था फिर यहाँ पहुँच कर आपने मशवरा किया तलहा वापस आए तो वो भी उन लोगों के हम विचार थे पहले तलहा वहाँ नहीं थे जब वापस आए तो उन्होंने कहा ठीक है आगे जाना चाहिए परंतु हज़रत रहमान उन लोगों में से थे जिन्होंने आपको जाने से रोका और रुकने का कारण वर्णन करते हुए उन्होंने कहा हजरत रहमान बिन ऑफ ने कि आज से पहले मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी पर अपने माँ बाप को कुर्बान नहीं किया और ना इसके बाद कभी ऐसा करूँगा परंतु आज कहता हूँ ए वो कि ए वो कि जिस पर मेरे माँ बाप फिदा हों इस मामला का अंतिम निर्णय आप मुझ पर छोड़ दें हज़रत उमर को ख़लीफ़ा जो खलीफा थे उस वक़्त हज़रत इमरान को ये उत्तर दिया आपने आप वहाँ अर्थात इसरार के मकाम पर रुक जाएं और एक बड़े लश्कर को भेज दें आरंभ से लेकर अब तक आप देख चुके हैं आपके लश्करों के संबंध में अल्लाह ताला का क्या निर्णय रहा है यदि आपकी फ़ौज की पराजय हुई तो वह आपकी पराजय के भांति होगी यदि आरंभ में आप कत्ल हो गए उन्होंने यदि आरंभ में आप क़त्ल हो गए उन्होंने पेश किया जवाज़ या पराजय हो गई तो मुझे लगता है कि फिर मुसलमान कभी तकबीर नहीं पढ़ सकेंगे और ना ही ला इलाहा लाला की शहादत दे सकेंगे उस वक़्त जब ये सारी बातें हो रही थीं, तो हजरत उमर किसी व्यक्ति की तलाश में थे जिसका फ़ौज का कमांडर बनाकर भेजा जाए इसी दौरान उनकी खिदमत में हज़रत साद का पत्र आया हज़रत उमर की ख़िदमत में हज़रत साद उस वक़्त नजत के सदक़ात पर आधारित थे हजरत उमर ने फरमाया फरमायाब्दरमान बिन ओफ़ की बातें सुन के अच्छा फिर मुझे कोई आदमी बतलाओ किस को बनाया जाए किस किस पुर्द किया जाए हजरत हज़रतब्द्दरहन ने कहा कि आदमी तो आपको मिल गया हजरत उमर ने पूछा वो कौन है हजरत हज़रतब्दुरहन ने कहा छुपा रस्तम साद बिन मालिक अर्थात ये बहुत बहादुर इंसान है बड़ा अच्छा कमांडर है उसको कमांडर बनाकर भेजा बाकी लोगों ने भी इस मशवरे का समर्थन किया ये भी तारीख़ तिबरी का हवाला है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में विभिन्न कबीलों और साहबा को रहाइश के लिए स्थान दिया हज़रत बिन बिनआफ़ के कबीला को मस्जिद नबी के पीछे में खजूर के एक झंडे में रहने के लिए ज़मीन दी फिर हजरत हज़रतरहन बिन आफ और हजरत उमर को संपत्ति के रूप में भी ज़मीन प्रदान की आले उमर से ये जागीर फिर हज़रत ज़ुबैर ने ख़रीद ली हजरत उमर की औलाद से फिर ये जागीर ख़रीद ली हज़रत ज़ुबैर ने अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन ओफ से वादा भी फ़रमाया कि अल्लाह जब मुसलमानों के हाथ पर शाम फतह करेगा तो तुम्हारे लिए अब मुख्य हिस्सा ज़मीन होगी इसलिए हज़रत उमर के दौर खिलाफत में जब मुल्क शाम में इस्लाम को विजय मिली तो हज़रत हज़रतरहन बिन ौ को उनकी ज़मीन दी गई इस इलाके का नाम सलील था जहाँ उन्हें ज़मीन देने का वादा दिया गया था हज़रत अब्दुलरमान बिन ओफ को ये सादत भी मिली कि आ, हज़रत वसल्लम ने उनके पीछे नमाज पढ़ी इसलिए हज़रत मगैरा ने वर्णन किया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़व तबूक में शरीक हुए हज़रत मगैर कहते हैं कि रसोल सलमूत्र त्यागने के लिए फजर की नमाज़ से पहले तशरीफ़ ले गए मैंने आपके साथ पानी का चमड़े का थैला उठाया जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ़ वापस आए जहां मैं खड़ा था दूरी पर जब मेरी तरफ़ वापस आए तो मैं चमड़े के पानी के थैले से आपके हाथ पर पानी डालने लगा और आपने दोनों हाथ तीन मरतबा धोए फिर आपने अपना चेहरा मुबारक धोया फिर आपने बाजुओं को अपने कोट से बाहर निकालने लगे लेकिन कोट की आस्तीनें पहुँचे तंग थीं, इसलिए अपने हाथ कोट के अंदर डाले और अपनी बाजुओं को कोट के नीचे से निकाल कर कोहनियों तक धोया फिर आपने अपनी जुराबों पर मसाह करके उनको साफ़ किया फिर आगे चल पड़े कहते हैं कि मैं भी आपके साथ आगे चला यहाँ तक कि हमने लोगों को पाया कि वो हज़रत अब्दरमान बिन औफ को आगे कर चुके थे और वो उनको नमाज पढ़ा रहे थे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो में से एक रकात पाई अर्थात उस वक़्त एक रकात हो चुकी थी दूसरी रकात थी फजर की नमाज की और आपने दूसरी रकत लोगों के साथ पढ़ी खड़े हो गए सफ़ में जब रहमान बिन औफ ने सलाम फेरा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज पूरी करने के लिए खड़े हुए दूसरी रकात रह गई थी पूरी करने के लिए खड़े हुए तो इस बात ने मुसलमानों में घबराहट पैदा कर दी और अत्यधिक तस्बीह करने लगे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने अपनी नमाज़ ख़त्म कर ली तो लोगों की तरफ मुड़े और फरमाया तुमने ठीक किया या ये कहा कि अच्छा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ अपने समय पर अदा करने की वजह से उन पर प्रसन्नता प्रकट की कि बहुत अच्छा किया हज़रत मुग़ैरा कहते हैं कि मैंने इरादा किया था कि हज़रतरहन को पीछे कर दूँ उस वक़्त जब हम पहुँचे थे जब आ हज़रत वसल्लम और ये पहुँचे परंतु नबी करीम वसल्लम ने फरमाया रहने दो रहने दो उनको नमाज़ पढ़ाने दो नमाज़ के बाद हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया कि हर नबी अपने जीवन में उम्मत के किसी नेक आदमी के पीछे नमाज अवश्य पढ़ता है एक और बड़ा सम्मान हज़रत सल्लल्लाहु सल्लम ने आपको प्रदान किया ना सिर्फ़ कहा कि बड़ा अच्छा है नमाज़ पढ़ाई बल्कि ये भी फरमाया कि मेरा तुम्हारे पीछे नमाज़ पढ़ना इस बात का भी प्रमाण है कि तुम नेक व्यक्ति हो एक रिवायत में है कि हजरत हज़रतरहन बिन औफ़ जहर से पहले लंबी नमाज़ पढ़ा करते थे अर्थात नफ़ल पढ़ा करते थे जब अज़ान सुनते तो तुरंत नमाज के लिए पधारते एक रावी बयान करते हैं कि मैंने देखा रहमान ख़ाना क़बा का चक्कर लगा रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे स्वयं की कंजूसी से बचावे हज़रत अब्दुल्ल बिन उमर की रिवायत है कि जिस वर्ष हजरत उमर खलीफ़ा चुने उस वर्ष आपने हज़रतरहन बिन औफ को अमीर हजम निर्धारित किया था अबू सलमा बिन अब्दुलरमान से रिवायत है वो वर्णन करते हैं कि एक दफ़ा हज़रत अब्दुलरमान बिन औफ रसोल्ला सल्ला वसलम के पास जुओं की अधिकता की शिकायत लेकर उपस्थित हुए और कहा यार रसोल्ला क्या आप मुझे आज्ञा देंगे कि मैं रेशमी वस्त्र पहन लूँ आम जो सादा कॉटन का वस्त्र है उस वक़्त किसी वजह से जुएँ पैदा हो गई सर में अत्याधिक पैदा हो गई होंगी ख़त्म नहीं हो रही थी उस वक़्त आपने आज्ञा ली कि रेशमी वस्त्र पहन लूँ इससे ज़रा बचत हो जाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज्ञा दी कि ठीक है पहन लिया करो जब हज़रत अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर वफ़ात पा गए और उमर खलीफा बने तो हजरत उमर तो हज़रत अब्दुलरमान बिन औफ अपने बेटे अबू सलमा के साथ हजरत उमर के पास उपस्थित हुए अबू सलमा ने रेशमी कमीज़ पहन रखी थी हजरत उमर ने फरमाया ये क्या पहन रखा है फिर उन्होंने अर्थात उमर ने अबू सलमा का गिरेबान में हाथ डालकर कमीज़ फाड़ दी हज़रत अब्दुलरहन बिन औफ ने उमर से कहा क्या आपको मालूम नहीं कि रसोल्ला सल्ला सल्म ने मुझे आज्ञा प्रदान की थी तो हज़रतमर ने फ़रमाया हज़रत सल्लाम ने आपको इसलिए आज्ञा दी थी कि आपने उनके समक्ष जुओं की शिकायत की थी ये आज्ञा तो आपके अतिरिक्त किसी के लिए नहीं है सात बिन इब्राहिम से रिवायत है कि हज़रतब्दरहन बिन औफ एक चादर पहना करते थे या किसी वक्त एक चादर पहनी हुई थी जिसकी कीमत चार या पाँच सौ दरहम थी अर्थात ऐसे हालात थे इंतहाई कीमती वस्त्र भी पहनते थे अर्थात देखें अल्लाह ताला के फ़ज़ल जब हिजरत की कुछ भी पास नहीं था लेकिन उसके बाद अत्यधिक कीमती वस्त्र भी पहना और अत्यधिक जायदाद भी पैदा कर दी अल्लाह तला ने उनके लिए हज़रत अबू बकर ने अपने मृत्यु के निकट के वक्त हज़रत उमर को अपने बाद खलीफ़ा निर्धारित कर दिया था जब आपने इसका इरादा किया था उस वक़्त हज़रत हज़रतब्दरहन बिन ओफ को बुलाया और उनसे कहा कि बताओ उम्र के संबंध में तुम्हारी क्या राय है हज़रत हज़रतब्दरहन बिन ओफ ने कहा अः खलीफा ए रसूल वो औरों के संबंध में आपकी राय से भी अफजल हैं परंतु उनके स्वभाव ज़रा उनके स्वभाव में ज़रा सख्ती है हजरत अबू बकर ने कहा ये सख्ती इस वजह से थी कि मुझको नरम देखते थे मैं बहुत नरम था इसलिए वो थोड़ा सख्त थे ताकि मामला बैलेंस रहे जब मामला फिर आपने हजरत अबू बकर ने फरमाया कि जब मामला उनके सुपर्द होगा तो इस किस्म की अक्सर बातें छोड़ देंगे वो फिर इसमें शिद्दत नहीं देखोगे फिर फरमाया बू मोहम्मद मैंने उनको ध्यान से देखा है कि जिस वक़्त किसी पर किसी मामला में अक्रामक होता था अर्थात हज़रत अबू बकर फरमा रहे हैं कि जब मुझे किसी बात पर गुस्सा आता था तो उमर मुझको उसी पर राजी होने का मशवरा देते थे उस वक़्त हज़रत उमर का मशवरा नरमी का होता था और जब कभी मैं किसी पर नरम होता था तो मुझको उस पर सख्ती करने का मशवरा देते थे फिर हज़रत अबू बकर ने फरमाया अबू मोहम्मद ये बातें जो मैंने तुमसे कही हैं तुम उनका किसी और से ज़िक्र ना करना हज़रत अब्दुरहमान बिन औौफ़ ने कहा अच्छा फ़तेह मक् के बाद जब हज़ूर सल्ला ने विभिन्न सिम्मतों में टुकड़ियाँ भेजीं तो हज़रत ख़ालिद बिन वलीद को बनु होज़ैमा की तरफ़ भेजा बनु हुज़ैमा ने जाहलीत में हज़रत अब्दुलरहमान बिन औफ़ के पिता ओफ और हज़रत ख़ालिद के चाचा फाके बिन मुग़ैरा का वध किया था हज़रत खालिद से वहाँ ग़लती से वध हो गया एक व्यक्ति का उस कबीले के हजूर सल्लाम को इस बात का पता चला तो आपने नापसंद किया आपने उसकी देत मृत्यु स्वरूप दिया जाने वाला धन भी अदा किया और जो कुछ हज़रत ख़ालिद ने उनसे लिया था उसकी कीमत अदा कर दी अब्दुलरहमान बिन नौफ़ को हज़रत ख़ालिद के इस कार्य का इलम हुआ तो आपने हज़रत खालिद को कहा ने हज़रत खालिद को कहा कि तुमने उसके लिए वध किया है कि तुमने उसको इसलिए वध किया है कि उन्होंने तुम्हारे चाचा को वध किया था। हज़रत खालिद ने उत्तर उत्तर में सख्ती से कहा उन्होंने तुम्हारे पिता को भी वध किया था। हज़रत खालिद ने और कहा तुम उन दोनों को भी तुम उन दिनों को बहुत लंबा करना चाहते हो अर्थात उनसे बड़ा तुम फ़ायदा उठाना चाहते हो जो तुम हमसे पहले ही ईमान ले आए अर्थात तुम शुरू में ईमान लाने वालों में से हो इसलिए बड़ा सम्मान समझते हो इस बात से मुझे कह रहे हो ये ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची क्योंकि हज़रत ख़ालिद ने ज़रा ग़ुस्से और नाराज़गी का इजहार किया था हज़रत अलैहि वसल्लम को जब ये बात पहुंची तो आपने फरमाया मेरे अजहा मेरे अब को छोड़ दो कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है यदि तुम में से कोई ओहद पहाड़ जितना सोना भी खर्च करे तो उनके मामूली खर्च को भी नहीं पहुंच सकता ये बहुत बड़ा स्थान है उन लोगों का इन आरंभिक सहाबा की कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा थी उनका मुकाबला ही नहीं किया जा सकता हाँ ने हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ़ के संबंध में फ़रमाया कि वे मुसलमानों के सरदारों के सरदार हैं और ये भी फरमाया कि रहमान आसमान में भी सच्चे हैं और ज़मीन में भी सच्चे हैं हजरत रहमान बिन औफ़ एक दफ़ा इतने सख्त बीमार हो गए कि बेहोश होने लगे उनकी पत्नी की मुंह से चीख निकल गई अर्थात काफ़ी बुरी अवस्था हो गई थी उस गम की हालत में उनकी चीख निकली बहरहाल जब उनको इसके बाद बेहतरी भी आ गई सेहत में तबीयत में जब उनको लाभ हुआ तो कहने लगे कि मुझे जब बेहोश हुआ था तो मेरे पास दो व्यक्ति आए उस वक़्त जो नज़ारा मैंने देखा उस हालत में दो व्यक्ति आए और उन्होंने कहा चलो सबसे सच्चे व्यक्ति के सामने तुम्हारा फैसला कराते हैं तो उन दोनों को एक व्यक्ति मिला और तीसरा व्यक्ति मिला और कहने लगा इसे मत ले जाओ क्योंकि ये माँ के पेट से ही शदतमंद है ये नज़ारा हजरत अब्दुलरहमान ने अपने बारे में देखा नौफल बिनयास फजली कहते हैं कि हज़रत रहमान भी औफ हमारी मजलिस में बैठा करते थे वह बेहतरीन साथी थे एक दिन वह हमें अपने घर ले गए नहा नहाने के बाद बाहर आए और हमारे पास एक बर्तन लाए जिसमें रोटी और गोश्त था फिर पता नहीं क्या हुआ कि रोने लगे हमने पूछा अब मोहम्मद आप क्यों रो रहे हैं कहने लगे कि अलैहि वसल्लम इस अवस्था में संसार से विदा हुए कि आप वसल्लम और आपके घर वाले जौ की रोटी से सैर नहीं हुए अर्थात जौ की रोटी भी पूरी तरह नहीं मिलती थी फिर फरमाया मैं नहीं समझता जिस चीज़ के लिए हमें देरी मिली वो हमारे लिए बेहतर हो अर्थात हमें जो इतना अरसा ज़िंदा रहने का अवसर मिला है ये हमारे लिए बेहतर है या कोई इब्तला इम्तिहान है ये थे सहाबा के सहाबा की भावनाएं अल्लाह का भय और हज़रत सल्ला व् और आपके घर वालों के लिए भावनाओं का प्रकटन इन्हीं भावनाओं का ये सिर्फ सिर्फ़रत सम और आपके वंश से संबंध नहीं था बल्कि सहाबा के लिए भी आपस में इजहार होता था इस मिसाली मोहब्बत का जो आप में सहाबा को थी एक दूसरे से हजरत हज़रतरहन बिन औफ़ के पास एक घटना मिलती है इस संबंध में कि हज़रत अब्दुलरमान बिन औफ के पास एक रोज़ अफ्तारी के वक्त खाना लाया गया विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के खाने जब दस्तरखान की शोभा बने तो हजरत हज़रतब्दुरहमान ने एक लुकमा उठाया विभिन्न प्रकार के खाने आए और एक लुमा उनमें से खाने आपने खाने के लिए उठाया जब तो लुमा मुंह में डाला तो भावुक हो गए और यह कह कहकर खाने से हाथ उठा लिया कि मासब बिन उमेर अहद में शहीद हुए वो हमसे बेहतर थे उनकी चादर का चादर का ही कफ़न पहनाया गया या अर्थात कफन के लिए कपड़ा नहीं था तो चादर उन्होंने ओढ़ी हुई थी उसी का कफन पहनाया गया और उस कफ़न की क्या हालत थी यदि पाओ ढाँकते थे तो सर नंगा हो जाता था सर ढाँकते थे तो पाँव नंगे हो जाते थे फिर कहने लगे हज़रत अब्दुलरहमान की हमजा शहीद हुए वो भी मुझसे बेहतर थे लेकिन हमें अत्यधिक धन और संसारिक सुविधाएँ प्रदान की गईं और हमें इससे हिस्सा अत्यधिक मिला मुझे डर है कि हमारी निकियों का अजर हमें जल्द इसी संसार में मिल गया इसके बाद वो रोने लगे और खाना छोड़ दिया ये खौफ था अल्लाह ताला का ये भय था उमोमिन हज़रत उम्मे सलमा से रिवायत है कि उनके पास हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए और कहा अः मेरी माँ मुझे लगता है कि धन की अत्यधिकता मुझे हलाक न कर दे क्योंकि मैं कुरैश में सबसे अधिक धनी हूँ उन्होंने उत्तर दिया बेटा ख़र्च करो अर्थात अल्लाह के मार्ग में खर्च करो तो कोई हलाकत का प्रश्न नहीं क्योंकि मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए सुना है कि मेरे कुछ साथी ऐसे भी होंगे कि मेरी उनसे जुदाई के बाद दोबारा मुझे कभी नहीं देख सकेंगे अर्थात उस स्थान पर नहीं पहुंच सकेंगे कुछ लोग ऐसे होंगे हज़रत बिन बिनव जब बाहर निकले तो रास्ते में हज़रत उमर से भेंट हो गई उन्होंने हज़रत उमर को ये बात बताई तो हज़रत उमर स्वयं हज़रत उम्मा के पास आए और कहा मैं आपको अल्लाह ताला की कसम देकर पूछता हूँ कि मुझे बताएं कि क्या मैं उनमें से हूँ जो आपने बताया था कि मुझसे नहीं मिलेंगे आजरत सल्ला व्ँजरत सल्ल व फ़रमाया कि जो अलैहि वसल्लम को दोबारा नहीं देख सकेंगे मैं उनमें से हूँ हज़रतम सलमा ने फ़रमाया नहीं हज़रत उमर को फरमाया कि नहीं आप उनमें से नहीं हैं लेकिन आपके बाद मैं किसी के मुतिक ये नहीं कह सकती कि वो हज़रत अलैहि वसल्लम को देख सकेंगे या नहीं अर्थात किसी के बारे में विश्वास से नहीं कह सकती कि आप अवश्य देखेंगे लेकिन ये भी स्पष्ट हो जैसा कि पहले भी वर्णन हो चुका है कि हजरत हज़रतरहन बेनवाफ तो उन लोगों में से हैं जो अशरा मुबशरा में से थे जिनको जन्नत की खुशखबरी भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी लेकिन फिर भी उन लोगों में खुदा ताला का भय और डर इतना था कि हर समय फ़िक्र में रहते थे और ये बात सुन के भी कि आपने हज़रत सलमा को फ़ौरन सदका ख़ैरात बहुत अधिक किया एक रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि हजरत उमर शाम की तरफ निकले यहाँ तक के सर्ख़ मकाम पर पहुँचे सर्ख जो है वो शाम और हिजाज़ के सरहदी इलाके में स्थित वादी तबू की एक बस्ती का नाम है जो मदीना से तेरह रातों की दूरी पर है अर्थात उस वक़्त जो सवारियों का इंतज़ाम था तेरह रातें निरंतर चलते रहें तो इतनी दूरी थी उसकी वहाँ पहुंचे तो आपकी भेंट फौजों के कमांडर हज़रत अबू अबूबैदा बिन बिन जरा और उनके साथियों से हुई यह घटना अठारह हिजरी में हजरत उमर के खिलाफत के समय में शाम की फतूहत के बाद का है उन लोगों ने हजरत उमर को बताया शाम के मुल्क में ताउन की महामारी फूट पड़ी है हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि हज़रत उमर ने कहा कि मेरे पास मशवरे के लिए प्रथम महाजरीन को बुलाओ शुरू के महाजरीन हैं उनको बुलाओ क्या मशवरा देते हैं हज़रत उमर ने उनसे मशवरा किया परंतु महाजरीन में मतभेद रहा कुछ का कहना था कि इस विषय में पीछे नहीं हटना चाहिए अर्थात यात्रा चलती रहनी चाहिए जबकि कुछ ने कहा कि इस लश्कर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम शामिल हैं उनको इस वबा में डालना उचित नहीं होता बेहतर ये है कि वापस चला जाए हजरत उमर ने महाज्रन को भिजवा दिया और फिर अनसार को बुलाया मशवरे के लिए उनसे मशवरा किया परंतु अनसार की राय में भी महाजरीन की तरह मतभेद हो गया मतलब कुछ ने कहा वापस चले जाएं और कुछ ने कहा आगे चलें हज़रत उमर ने अनसार को भिजवाया फिर फ़रमाया कुरैश के बूढ़े लोगों को बुलाओ कुरैश के वो वृद्ध लोगों को बुलाओ जो फ़तेह मक्का के समय इस्लाम स्वीकार करके मदीना आए थे उनको बुलाया गया उन्होंने एक जबान होकर मशुरा दिया कि उन लोगों को साथ लेकर वापस लौट चलें कोई ज़रूरत नहीं वहाँ महामारी फूटी हुई है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है और महामारी के इलाके में लोगों को ना लेकर जाएं हजरत उमर ने लोगों में वापसी की घोषणा करवा दी और उनका मशवरा मान के हज़रत अबू अबूबैदा बिन जरा ने उस अफसर पर प्रश्न किया क्या कि अल्लाह की तकदीर से भागना संभव है आप वापस जा रहे हैं इस महामारी के डर से तो ये अल्लाह ताला की तकदीर है बीमारी फैली हुई है क्या इससे भाग सकते हैं आप हजरत उमर ने हज़रत अबू अबूबैदा से फरमाया ए अबू बैदा काश तुम्हारे अतिरिक्त किसी और ने यह बात कही होती हाँ हम अल्लाह की एक तकदीर से भागते हुए अल्लाह ही की दूसरी तकदीर की तरफ़ जाते हैं यदि तुम्हारे पास फिर आगे हज़रत उमर ने उनको फ़रमाया कि यदि तुम्हारे पास ऊँट हो मिसाल दी कि उसकी तकदीर क्या है अल्लाह तला की उदाहरण देते हुए फरमाया कि यदि तुम्हारे पास ऊँट हो और तुम उनको लेकर ऐसी वादी में उतरो जिसके दो किनारे हों एक हरा भरा हो और दूसरा खुश्क तो क्या ऐसा नहीं कि यदि तुम अपने ऊँटों को हरी भरी जगह पर चराओ तो वो अल्लाह की तकदीर से है और यदि तुम उनको खुश जगह पर चराओ तो वो भी अल्लाह की तकदीर से ही है अब अल्लाह की तकदीर ने तुम्हारे ऊपर दो ऑप्शन दे दी हैं एक हरा भरा स्थान है एक जहाँ बिल्कुल खुश्क जगह है बंजर है इक्का दुक्का झाड़ियाँ हैं या घास है थोड़ा बहुत अब तुम कह दो ये अपनी तकदीर से उगा है हरी है और ये जो खुश्क है वो किसी और तकदीर से है ये दोनों अल्लाह ताला की तकदीरें हैं अब तुमने फ़ैसला करना है कौन सी कौन सा उचित ऑप्शन लेना है ज़ाहिर है तुम हरे भरे स्थान पर चराओगे रावी कहते हैं इतने में ये बातें उमर ने उनको कहीं इसके बाद कहते हैं कि इतने में हज़रतब्बमान बिन औफ भी आ गए जो पहले अपने किसी कार्य के कारण हाज़िर नहीं हो सके थे उन्होंने अर्ज़ की मेरे पास इस मसले का इलम है हज़रतब्दुरहन बिन औफ ने कहा आप मशवरा ले रहे हैं लोगों से मैं बताता हूँ मुझे इलम है इसका मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब तुम किसी जगह के बारे में सुनो कि वहाँ कोई महामारी फूट पड़ी है तो वहाँ मत जाओ और यदि कोई रोग किसी ऐसी जगह पर फूट पड़ा जहाँ तुम रहते हो तो वहाँ से भागते हुए बाहर मत निकलो जहाँ महारी जहाँ महामारी फूट पड़े है वहाँ जाना नहीं और जिस इलाक़े में रहते हो वहाँ महामारी है फिर वहाँ से बाहर ना निकलो और अपने आप को वहीं रखो ताकि वो रोग और महामारी जो है वो बाहर दूसरे लोगों में ना फैले आजकल दुनिया इस पर जो अमल कर रही है लॉकडाउन में जिन्होंने वक्त पे किया वहाँ काफ़ी हद तक इसको रोक लिया कॉन्टेन कर लिया बीमारी को जहाँ नहीं कर सके और लापरवाही की वहाँ ये फैलती चली जा रही है बहरहाल ये बुनियादी नुकता हज़रतल्ला वसम ने शुरू में अपने सहाबा को बता दिया इस पर हज़रत उमर ने अल्लाह ताला की प्रशंसा बयान की और वापस लौट गए हज़रत मसूर बिन मुकरम वर्णन करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जब सही हालत में थे तो आपसे निवेदन किया जाता कि आप किसी को खलीफा मुकर निर्धारित फरमा दें लेकिन आप इनकार फरमाते फिर एक रोज़ आप मेंबर पर तशरीफ़ लाए और चंद बातें कहीं और फरमाया यदि मैं मर जाऊँ तो तुम्हारा मामला छह लोगों के जिम्मे होगा जिन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वम को इस हालत में छोड़ा है जबकि आप उन सब से राज़ी थे हज़रत अली बिन अबू तालिब और आपके नज़ीर हज़रत ज़ुबैर बिन आवा हज़रत अब्दुलरहमान बिन औफ और आपके नज़ीर हजरत बिन बिनान और हज़रत तलहा बिन अबैदुल्ला और आपके नज़ीर हज़रत साद बिन मालिक ख़बरदार मैं तुम सब को फ़ैसला करने में अल्लाह का सैम अख्तियार करने और तकसीम में इंसाफ करने का आदेश देता हूँ अबू जाफर वर्णन करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने शुरा के अरकान से कहा कि अपने मामला में आपस में मशवर करो फिर यदि दो दो हों तो फिर दोबारा मशवर करो और अगर चार और दो हों तो अक्सरियत की संख्या को चुनो जैद बिन असलम अपने पिता से वर्णन करते हैं कि हज़रत उमर ने फरमाया कि यदि तीन और तीन की राय सहमत हो जाए तो जिस तरफ हज़रत रहमान बिन औफ होंगे उस तरफ़ के लोगों की सुनो और आज्ञाकारिता करो करो रहमान बिन सईद वर्णन करते हैं कि उमर रजी अल्लाह तु जख्मी हुए तो आपने फरमाया सुहेब तुम लोगों को नमाज पढ़ें तुम लोगों को नमाज पढ़ेंगे अर्थात हजरत सुहेब कोई इमाम निर्धारित किया ये बात आपने तीन बार कही अपने इस मामला में विचार विमर्श करो और ये मामला उन छः व्यक्तियों के सुपुर्द है जो व्यक्ति तुम्हारे आदेश में विरोध करे अर्थात जो तुम्हारा विरोध करे तो उसकी गर्दन उड़ा दो अगला जो जब ज़रूरत पड़े जब खिलाफत हो तो उन छः व्यक्तियों पर होगा उस वक़्त तक हज़रत सहैब जो हैं वो इमामत करवाते रहेंगे हजरत अनस बिन मालिक वर्णन करते हैं कि हज़रत उमर ने अपनी मृत्यु से कुछ घड़ी पूर्व हज़रत अबू तलहा की तरफ संदेश भेजा और फरमाया अबू तलहा तू अपनी कौम अनसार से पचास अफराद को लेकर उनहाबरा के पास चले जाओ और उन्हें तीन दिन तक ना छोड़ना यहाँ तक कि वो अपने में से किसी को अमीर चुन लें अल्लाह तो उन पर मेरा खलीफा है इसहाक बिन अब्दुल्ला वर्णन करते हैं कि हज़रत अबू तलहा अपने साथियों के हमरा कुछ देर तक हजरत उमर की कब्र पर रुके फिर इसके बाद अब शुरा के साथ रहे फिर जब उन अब शुरा ने अपना मामला हजरत हज़रतरहन बिन ओफ़ के सुपुर्द कर दिया कि वो अख्तियार रखते हैं कि जिसको भी अमीर मुकर कर दें तो हज़रत अबू तलहा अपने साथियों समेत तो उस वक़्त तक हज़रत अब्दरमान बिन ओफ के घर के दरवाज़े पर रहे जब तक के उस्मान की बैत ना की गई हज़रत सलमा बिन सलमा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि सबसे पहले हजरत अब्दाल बिन नौफ ने हज़रत उस्मान की बैत की फिर उसके बाद हजरत अली ने हज़रत उमर के आज़ाद करदा गुलाम उमर बिन उमेरा अपने दादा से रिवायत करते हैं कि सबसे पहले हजरत अली ने हज़रतमान की बैत की फिर इसके बाद सब लोगों ने बैत की बुखारी की एक ये भी रिवायत है कि जब हज़रत उमर पर नमाज के शुरू में ही जब अकबर आपने कहा और खड़े हुए और पढ़ाने के लिए हमला का तिलाना तो उस वक़्त जख्मी हुए जख्मी अवस्था में हज़रत उमर ने हज़रत नेज़रतब्दरमान बिन औफ का हाथ पकड़कर वो क़रीब थे इमामत के लिए आगे कर दिया उस वक़्त हजरत बिन बौफ ने मुख्तसर नमाज पढ़ाई हज़रत मसलै मऊद उस्मान की खिलाफत के चुनाव के अवसर पर हज़रत हज़रतब्दरहन बिन औौफ का किरदार वर्णन करते हुए दूसरे प्रकार यूँ फरमाते हैं पहली दो रिवायतें आई हैं उनमें से एक स्थान पर मतभेद है बाकी तो वही बातें हैं बहरहाल हज़रत मुस्लिम मऊद फरमाते हैं कि हजरत उमर जब ज़ख्मी हुए और आपने महसूस किया कि अब आपका अंतिम समय करीब है तो आपने छह आदमियों के संबंध में वसीयत की वो आ वो अपने में एक को खलीफा निर्धारित कर लें वो छः आदमी ये थे हजरत उस्मान, हज़रत अली हजरत हज़रतरहन बिन औौफ हज़रत साद बिन वक्कास, हज़रत ज़ुबैर और हज़रतलह इसके साथ ही हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को भी आपने इस मशवरे में शरीक करने के लिए निर्धारित किया परंतु खिलाफत का हक़दार करार ना दिया और वसीयत की ये सब लोग तीन दिन में निर्णय करें और तीन दिन के लिए सुहेब हज़रत सहेब कोई मामोसलात निर्धारित किया मशवरा की निगरानी मकदार बिन असवद के सुपुर्द की और उन्हें हिदायत की कि वह सब एक जगह इकत्तर हों सबको एक जगह एकत्र करके फैसला करने पर मजबूर करें और स्वयं तलवार लेकर दरवाजे पर पहरा देते रहें पिछली रिवायतों में तलहा का वर्णन आ रहा है लेकिन आपने जो विभिन्न स्थानों से अपना जो परिणाम लिया है वो ये है कि मकदार बिन असवद के सुपुर्द किया गया था पहरा जब तक इंतब खिलाफत हो रहा है और फरमाया कि जिस पर कसरत राय से सहमत हो सब सब लोग उसकी बात करें और यदि कोई इनकार करे तो उसका वध कर दो लेकिन यदि दोनों तरफ तीन तीन हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन उमर में से जिसको तजवीज़ अब्दुल्ला बिन इमरान में से जिसको तजवीज़ करें वो खलीफा हो यदि इस फैसला पर राजी ना हो तो जिस तरफ हज़रतब्दुलरहन बिन औफ हों वो खलीफ़ा हो यदि पाँचवें अाबाब ने मशवरा किया क्योंकि तलहा उस मदीना में ना थे हज़रत मसल मऊद के अनुसार तलहा उस वक्त मदीना में नहीं थे इसलिए पाँच अफराद थे परंतु कोई परिणाम ना निकला अच्छा नहीं ये आप फरमाते हैं कि आखिर पाँच लोगों ने मशवरा किया तलहा के अलावा बाकी पाँच लोग थे उन्होंने मशवरा किया कोई नतीजा नहीं निकला बहुत लंबी बहस के बाद हज़रतब्दरहन बिन औफ ने कहा अच्छा जो व्यक्ति अपना नाम वापस लेना चाहता है वो बोले जब सब खामोश रहे तो हज़रत हज़रतब्दरमान बिन ओफ ने कहा सबसे पहले मैं अपना नाम वापस लेता हूँ उस्मान ने कहा फिर बाकी दो ने अली ख़ामोश रहे आखिर उन्होंने हज़रत अब्दरमान बिन ओफ से अहद लिया कि वो फैसला करने में कोई रियायत नहीं करेंगे उन्होंने किया और सब काम उनके सुपुर्द हो गया अर्थात बिन औफ जो भी फ़ैसला करेंगे कोई रियायत नहीं तरफ़दारी नहीं होगी जब अहद हो गया तो सारा काम हज़रत हज़रतब्दरमान बिन औफ के सुपुर्द हो गया हज़रत हज़रतब्दरहन बिन औफ तीन दिन मदीना के बाहर मदीना के हर घर गए और मर्दों और महिलाओं से पूछा कि उनकी राय किस व्यक्ति के खिलाफत के हक में है सब ने यही कहा कि उन्हें उस्मान की खिलाफत मंजूर है इसलिए उन्होंने हज़रत उस्मान के हक़ में अपना फ़ैसला दे दिया और वह खलीफा हो गए इसकी एक और रिवायत भी है वो काफ़ी लंबी है वो इनशा बाकी हिस्सा हजरत अब्दुलरमान बिन औफ़ के जिक्र में वर्णन होगा तो इसकी भी ज़रूरत हुई तो वो अलहदा वर्णन हो जाएगा बाद में इन या हो सकता है कि वो लंबी रवायत मेरे विचार में हजरत उस्मान के खिलाफत के संबंध में है या हजरत उमर की ज़िंदगी के बारे में है वहाँ भी वर्णन हो सकती है बहरहाल इसके अतिरिक्त भी कुछ हिस्सा है हजरत रहमान बिन औफ़ के जीवन की घटनाओं का उनकी नेकियों का उनकी जीवनी का वो ताला आइंदा वर्णन होगा खुतबा में الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واذموه يستجب لكم ولذكر الله اكبر